दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये जानकारी आपको भविष्य में कभी भी जरूरत पड़ सकता है या फिर आपको नॉलेज के लिए ऐसे ही इस बात को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है। अच्छा, तो आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप क्या करेंगे, यानी कि उस चेक में जो भी रकम भरा गया है आप उसे कैसे वापस लेंगे। यहाँ पर आपको हम जो प्रक्रिया बताने वाले हैं उसे अगर आप फॉलो करते हैं तो यहाँ पर आपको चेक में जो भी रकम भरा गया है यहाँ पर आपको उसका दोगुना पैसा मिलेगा, और साथ ही क्या हो सकता है कि सामने वाले को जेल भी हो सकता है। लेकिन एक सेकेंड, हम आपको ये भी बताएंगे कि अगर चेक बाउंस हो जाता है तो चेक जारी करने वालों को क्या क्या सजा का प्रावधान किया गया है। शुरू करते हैं, पहले ये समझते हैं कि अगर आपका चेक बाउंस हो जाता है तो सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि उस बैंक से यहाँ पर आपको मेमो फॉर्म ले लेना है। मेमो फॉर्म में ये लिखा होता है कि आखिर ये चेक किस कारण से बाउंस हुआ है। चेक बाउंस होने के कई सारे कारण होते हैं। अगर आप यहाँ पर ये सोचते हैं कि बैंक में पैसा ना होना यही एक सिर्फ चेक बाउंस का कारण है तो ये आप गलत हैं। चेक बाउंस होने के कई सारे कारण हो सकते हैं जो कि हम आपको पीछे वाले वीडियोज में बताए थे। तो पहले आप इस वाले वीडियो को देखें, उसके बाद आप करके उस वाले वीडियो को देखेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है कि मेमो फॉर्म लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि चेक बाउंस होने के 30 दिनों के भीतर में ही आपको क्या करना है कि चेक जारी करने वाले के खिलाफ आपको एक लीगल नोटिस भेज देना है। लीगल नोटिस याद रखेंगे आप किसी भी एडवोकेट के थ्रू भेज सकते हैं, किसी भी वकील के थ्रू यहाँ पर आप भेज सकते हैं। याद रखेंगे लीगल नोटिस भेजने के बाद यहाँ पर आपको 15 दिन वेट करना है। 15 दिन वेट करेंगे क्योंकि उस सामने वाले व्यक्ति को 15 दिनों का समय दिया जाता है कि आपके वो पैसे को लौटा दे। अगर उस 15 दिनों में आपके पैसे को नहीं लौटाता है तो उसके बाद जाकर के आप कोर्ट में फाइल दर्ज कर सकते हैं, यानी कि वहाँ पर आप कोर्ट में जाकर के केस कर सकते हैं धारा 138 के तहत। उसके बाद उस कोर्ट में केस चलेगा, यहाँ पर आपका केस आपके वकील लड़ेंगे। अगर आप यहाँ पर सही होते हैं तो आप यहाँ पर जीत जाएंगे, अगर आप यहाँ पर गलत रहेंगे तो आप यहाँ पर हार जाएंगे, क्योंकि कानून अंधा होता है, जज नहीं। तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। तो अब ये समझते हैं कि अगर आप यहाँ पर जीत जाते हैं तो चेक जारी करने वालों को क्या क्या सजा हो सकता है। तो नंबर वन में ये हो सकता है कि उसे 1 साल का जेल हो, और प्लस में उस चेक में जो भी रकम भरा गया है उसका दोगुना पैसा उसे लौटाना हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे 7 साल का जेल हो और प्लस में उस चेक में जो भी रकम भरा गया है उससे दोगुना पैसा उसे लौटाना पड़ जाए। तो हमने यहाँ पर आपको बताया कि चेक बाउंस होता है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे। बाकी की जानकारी आप एडवोकेट से भी ले सकते हैं, एडवोकेट भी आपको कुछ इस तरीके से ही कंडीशन को फॉलो करके ही आपको केस लड़वाएगा, जो कि आपको क्या करेगा कि उस वकील ही आपको बताएंगे कि आखिर आपको केस किस तरीके से लड़ना है। लेकिन बेसिकता यही प्रक्रिया होता है चेक बाउंस को लड़ने का। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।